नमस्कार, मेरा नाम अमन झा है और आपने देखना शुरू कर दिया है रात 9 बजे की 10 बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत हम सबसे बड़ी खबर शारजील से करते हैं। दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से जहानाबाद के काको से उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि आज सुबह ही दिल्ली पुलिस ने उसे छोटे भाई को हिरासत में लिया था। इसके बाद उसकी ही निशानदेही पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। शारजील इमाम की गिरफ्तार के लिए कई राज्यों की पुलिस छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जहानाबाद कोर्ट में पेश कर दिया है। जदयू की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के बैठक में नहीं के सवाल पर कहा कि जिसे जहां जाना है वो जा सकते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि पटना वापस लौटने पर इसका जवाब दूंगा। 29 फरवरी के वाम दल के भारत बंद को RJD, कांग्रेस, हम, RLSP और जाब ने भी समर्थन किया है। गुजरात दंगे के 17 दोषियों को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर में जाकर समाज सेवा करें। झारखंड के हेमंत कैबिनेट का मंगलवार को विस्तार किया गया। इसमें JMM के 5 और कांग्रेस के 2 मंत्री ने शपथ लिया। CAA के विरोध पर बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी ने कहा कि एक समुदाय के ही 99% लोग प्रदर्शन में शामिल हैं। बिहार के सुपौल गैंगरेप केस में पूर्व विधायक समेत 4 लोगों को दोषी ठहराया है। 25 साल पहले हुई इस दरिंदगी पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने CAA के विरोध को सही करार देते हुए कहा कि जितना जल्द हो सके सरकार इसे वापस ले। JNU के छात्र शारजील इमाम की गिरफ्तारी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश के खिलाफ हो। और अंत में खेल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि अपने पहले मैच के ही पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर तेज गेंदबाज रवि यादव ने इतिहास रच दिया है। यह थी अभी तक की मुख्य सुर्खियां। नमस्कार।